नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीसी एकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ की गुफाओं को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित कुटुमसर की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित कुटुमसर की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ये पकड़ना है आपका दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ये पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुटुमसर की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये है दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है कुटुमसर की गुफा। ये है दोस्तों बस्तर जिले में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये है दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। यहां पर स्थित है दोस्तों कुटुमसर की गुफा। इसी के भीतर स्थित है दोस्तों कुटुमसर की गुफा। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कुटुमसर की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा, या इसका पुराना नाम है दोस्तों गोपनसर गुफा, कुटुमसर की गुफा या गोपनसर गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुटुमसर की गुफा या इसका पुराना नाम है गोपनसर गुफा। बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है दोस्तों कुटुमसर की गुफा या गोपनसर गुफा। अर्थात यहां पर स्थान है दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, के भीतर स्थित है दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर में स्थित है दोस्तों कुटुमसर की गुफा, गोपनसर गुफा। कुटुमसर की गुफा या गोपनसर गुफा की खोज किया गया है 1950 में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा 1950 में कुटुमसर की गुफा या गोपनसर गुफा को खोजा गया। अर्थात इसके खोजकर्ता है भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी। भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा 1950 में कुटुमसर की गुफा या गोपनसर गुफा को खोजा गया। लेकिन इसका मापन किया है, अर्थात कुटुमसर की गुफा की लंबाई का मापन किया गया है, अर्थात इसके मापन करता है डॉक्टर जयंत बिस्वाल के द्वारा। कुटुमसर की गुफा की लंबाई तथा गहराई को मापी गई है 1980 में डॉक्टर जयंत बिस्वाल के द्वारा कुटुमसर की गुफा की लंबाई तथा गहराई को मापी गई। अंततः कुटुमसर की गुफा की लंबाई है दोस्तों
4500 फीट, कुटुमसर की गुफा की लंबाई है 4500 फीट। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है। 4500 फीट के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है 4500 फीट के साथ, यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का कालस्वार ऑफ कैप कहा जाता है। इसीलिए इसे संज्ञा प्रदान की गई है दोस्तों, इसीलिए इसे संज्ञा प्रदान की गई है छत्तीसगढ़ का कालस्वार ऑफ कैब, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का कालस्वार ऑफ कैब, कालस्वार ऑफ कैब, जो कि अमेरिका का एक गुफा है, जो कि विश्व का सबसे लंबा गुफा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कालस्वार ऑफ कैब की, तो कालस्वार ऑफ कैब यह विश्व का सबसे लंबा गुफा है, विश्व का सबसे लंबा गुफा है, विश्व का सबसे लंबा गुफा है कालस्वार ऑफ कैब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं कुटुमसर की गुफा की गहराई है, कुटुमसर की गुफा की गहराई है 125 फीट, कुटुमसर की गुफा की गहराई है 125 फीट। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे गहरा गुफा है, भारत का सबसे गहरा गुफा है, यह भारत का सबसे गहरा गुफा है। इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, यह हुआ है चूना पत्थर से, इसका निर्माण हुआ है चूना पत्थर से, अर्थात स्टेलेगटाइट तथा स्टेलेगमाइट संरचना के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, स्टेलेगटाइट व स्टेलेगमाइट संरचना से इसका निर्माण हुआ है, स्टेलेगटाइट व स्टेलेगमाइट संरचना से इसका निर्माण हुआ है। कुटुमसर की गुफा या गुपनसर गुफा, कुटुमसर की गुफा या गुपनसर गुफा यह कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित एक गुफा है, प्राकृतिक तथा भूगर्भिक गुफा है। इसकी खोज 1950 में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा किया गया। 1980 में इसकी गहराई तथा लंबाई का मापन किया है डॉक्टर जयंत बिस्वाल ने। कुटुमसर की गुफा की लंबाई है 4500 फीट, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का कालस्वार ऑफ कैव कहा जाता है। इसकी गहराई है 125 फीट, यह भारत का सबसे गहरा गुफा है। इसका निर्माण हुआ है चूना पत्थर से। इसके गुफा के अंतिम छोर में स्थित है दोस्तों शिवलिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुफा के अंतिम छोर में स्थित है शिवलिंग, गुफा के अंतिम छोर में स्थित है दोस्तों शिवलिंग। विशेष बात में यह याद रखना है दोस्तों कि यह एक प्राकृतिक तथा भूगर्भित गुफा है, प्राकृतिक गुफा है, साथ ही साथ यह एक भूगर्भित गुफा है, भूगर्भित गुफा है। कुटुमसर की गुफा के अंदर रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है, कुटुमसर की गुफा के अंदर रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है, अंधी मछलियां पाई जाती है, इसलिए इसे रंग बिरंगी अंधी मछलियों का घर कहा जाता है, अंधी मछलियों का घर कहा जाता है, इसलिए इसे रंग बिरंगी अंधी मछलियों का घर कहा जाता है। यहां पर लंबी मूंछ वाली झिंगूर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर लंबी मूंछ वाली झिंगूर पाई जाती है, लंबी मूंछ वाली झिंगूर पाई जाती है, जिसे भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है दोस्तों, कैपिओला संकराई
यहां पर पाई जाने वाली लंबी मूछ वाली झिंगूर को डॉक्टर शंकर तिवारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, कैपियोला संक्राई। नामकरण का आधार है दोस्तों, नामकरण का आधार है डॉक्टर शंकर तिवारी का नाम। शंकर तिवारी का नाम के आधार पर यहां पाई जाने वाली लंबी मूछ वाली झिंगूर का नामकरण किया गया है कैपियोला संक्राई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है कुटुम सर की गुफा, जिसकी खोज 1950 में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा किया गया। 1980 में डॉक्टर जयंत बिस्वाल ने इसका मापन किया है और इसकी लंबाई है 4500 फीट, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का कासवार ऑफ कैव कहा जाता है। अमेरिका में विश्व का सबसे लंबा गुफा है कासवार ऑफ कैव, इसीलिए कुटुम सर की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कासवार ऑफ कैब। इसकी गहराई है 125 फीट, यह भारत का सबसे गहरा गुफा है। इसका निर्माण स्टेलेक्टाइट व स्टेलेगमाइट चूना पत्थर की संरचना से हुआ है। इसके अंतिम छोर में एक शिवलिंग स्थित है। विशेष बात में यह है दोस्तों कि कुटुम सर की गुफा एक प्राकृतिक गुफा है, भूगर्भित गुफा है। इसके इसमें पाई जाती है रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है रंग बिरंगी अंधी मछलियों का घर। लंबी मूछ वाले झिंगूर पाए जाते हैं जिसे डॉक्टर शंकर तिवारी के नाम के आधार पर इसे कहा जाता है कैपियोला संक्राई। आगे हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ही कुटुम सर की गुफा के आगे स्थित है, गुफा के आगे स्थित है दोस्तों कैलाश गुफा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलाश गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलाश गुफा। देखिएगा, अगला है कुटुम सर की गुफा के ही आगे है कैलाश गुफा। देखिएगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ही स्थित है दोस्तों कैलाश गुफा। अगला है कैलाश गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैलाश गुफा यह कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों कैलाश गुफा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। अर्थात कैलाश गुफा स्थित है तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों कैलाश गुफा। स्थान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, इसके भीतर में स्थित है तुलसी डोंगर डोंगरी पहाड़ी पर कैलाश गुफा। ध्यान दीजिएगा, कैलाश गुफा की लंबाई है दोस्तों 250 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने फीट में नहीं लिखा है बल्कि मीटर में लिखा है। कैलाश गुफा की लंबाई है 250 मीटर, जबकि कैलाश गुफा की गहराई है 35 मीटर। ये मात्रक मैंने यहां पर लिख दोस्तों, यूनिट मैंने यहां पर मीटर में लिखा है। कैलाश गुफा तुलसी डोंगरी कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर के तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है कैलाश गुफा। इसकी लंबाई है 250 मीटर तथा गहराई है 35 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष बात में यह याद रखना है दोस्तों कि यह एक प्राकृतिक गुफा है, यह एक भूगर्भित गुफा है। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण भी चूना पत्थर से हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका निर्माण भी चूना पत्थर से हुआ है। अर्थात स्टेलेक्टाइट व
स्टेलेगमाइट संरचना, चूना के पत्थर की संरचना से इसका निर्माण हुआ है। इसका भी निर्माण हुआ है दोस्तों स्टेलेक्टाइट व स्टेलेगमाइट, चूना पत्थर की संरचना से। इसे कैलाश गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूना पत्थर के स्टेलेक्टाइट व स्टेलेगमाइट संरचना से यहां पर काफी सारे शिवलिंग का निर्माण हो गया है। इसका नामकरण किया गया है दोस्तों शिवलिंग के आधार पर। यहां पर प्राकृतिक शिवलिंग के आधार पर इसे कैलाश गुफा का नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के भीतर तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है कैलाश गुफा। यहां पर चूना पत्थर के स्टेलेक्टाइट व स्टेलेगमाइट संरचना के कारण प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे कैलाश गुफा का नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 250 मीटर तथा गहराई 35 मीटर है। यह एक प्राकृतिक तथा भूगर्भित गुफा है। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तोकापाल के मंगलपुर पहाड़ी पर स्थित है अरण्यक गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तोकापाल के मंगलपुर पहाड़ी, यहां पर है दोस्तों तोकापाल, मंगलपुर पहाड़ी तहसील है तोकापाल, मंगलपुर पहाड़ी तोकापाल में स्थित है अरण्यक गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरण्यक गुफा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरण्यक गुफा स्थित है तोकापाल तहसील के मंगलपुर पहाड़ी में, अर्थात पहाड़ी का नाम है दोस्तों मंगलपुर पहाड़ी स्थान है तोकापाल बस्तर के मंगलपुर पहाड़ी में स्थित है अरण्यक गुफा की खोज हुई है 1991 में, और इसके खोजकर्ता है मनीष गुप्ता सुरेश तिवारी रुद्र नारायण पाणिग्रही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रुद्र नारायण पाणिग्रही 1991 में तोकापाल के मंगलपुर पहाड़ी में मनीष गुप्ता, सुरेश तिवारी तथा रुद्र नारायण पाणिग्रही के द्वारा अरण्यक गुफा की खोज की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरण्यक गुफा की लंबाई है 179 फीट, ये मात्रक है दोस्तों फीट में, इसकी लंबाई है 179 फीट। विशेष बात में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इस गुफा का भी निर्माण हुआ है चूना पत्थर से, अर्थात स्टेलेगमाइट संरचना से इसका भी निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात में याद रखना है दोस्तों, यह भी एक प्राकृतिक गुफा है और साथ ही साथ भूगर्भित गुफा है। अरण्य गुफा 1991 में मनीष गुप्ता, सुरेश तिवारी तथा रुद्र नारायण पाणिग्रही के द्वारा तोकापाल के मंगलपुर पहाड़ी में अरण्य गुफा की खोज की गई। इसकी लंबाई 179 फीट है और इसका भी निर्माण हुआ है चूना पत्थर स्टेलेक्टाइट व स्टेलेगमाइट संरचना से। यह भी एक प्राकृतिक तथा भूगर्भित गुफा है। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों
छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपोड़ या हथफोड़ गुफा, दरबार गुफा तथा बलिद्वार गुफा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगी मारा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, जो कि सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है, इसमें सरगुजा के उदयपुर तहसील में स्थित है, सरगुजा के उदयपुर तहसील में स्थित है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी। और रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगी मारा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है, यह है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, यह है रामगढ़ की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का ही भाग है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, यह है दोस्तों उदयपुर तहसील में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, यह है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है यह आपका है सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा। यहीं पर स्थित है दोस्तों लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। यहीं पर स्थित है जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा। यह है आपका हाथी पोर गुफा, हाथी पोर गुफा, हाथी पोर गुफा, इसी का ही दूसरा नाम है हथ फोड़ गुफा, हथ फोड़ गुफा, हाथी पोर गुफा, हथ फोड़ गुफा। यह आपका है दरबार गुफा, दरबार गुफा। और यह पकड़ना है दोस्तों बलि द्वार गुफा, बलि द्वार गुफा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामगढ़ की पहाड़ियों, रामगढ़ की पहाड़ी, यह है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, यह है सरगुजा के उदयपुर तहसील में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सभी गुफाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है रामगढ़ की गुफाएं, रामगढ़ की गुफाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामगढ़ की गुफाएं, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सभी गुफाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है रामगढ़ की गुफाएं। तो रामगढ़ की गुफाएं के अंतर्गत है सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपोर या हथपोड़ गुफा, दरबार गुफा, बलि द्वार गुफा। यह है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी जो कि भाग है सतपुड़ा पर्वत का, यह मैकल श्रेणी अर्थात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी जो कि छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का भाग है, और छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत अर्थात मैकल श्रेणी का भाग है, अर्थात रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। यह आता है दोस्तों छुरी मतरिंगा उदयपुर पहाड़ी या पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, यह आता है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत। और छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी आता है दोस्तों मैकल श्रेणी के अंतर्गत, और मैकल श्रेणी आता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, अर्थात रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में, सतपुड़ा पर्वत के, सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में, सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के
उत्तर दिशा में, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी की जो स्थिति है यह है सतपुड़ा पर्वत के पूर्व दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, और इसका विस्तार है सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में, उदयपुर तहसील सरगुजा जिला, उदयपुर तहसील सरगुजा जिला में। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाएं हैं सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, बलिद्वार गुफा, दरबार गुफा और हाथीपुर गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज हुई है 1948 में, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज हुई है 1948 में, और इसके खोजकर्ता है कर्नल आउसले के द्वारा 1948 में रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की, अर्थात 1948 में कर्नल आउसले के द्वारा सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपोर गुफा, दरबार गुफा और बलिद्वार गुफा की भी खोज की गई। बाय डिफॉल्ट कर्नल आउसले ने दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के भाग रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की, इसी के साथ बाय डिफॉल्ट सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपोर गुफा, दरबार गुफा और बलिद्वार गुफा के खोज करता है 1948 में कर्नल आउसले। तो इस प्रकार से दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाएं हैं सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपोर गुफा, दरबार गुफा और बली द्वार गुफा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत सीता बेंगरा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सीता बेंगरा की गुफा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सीता बेंगरा की गुफा, यह है सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, यह है दोस्तों हाथीपोर गुफा, दरबार गुफा, बलिद्वार गुफा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सीता बेंगरा की गुफा। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा, अर्थात इसका स्थान है, सीता बेंगरा की गुफा का स्थान है रामगढ़ की पहाड़ी। यह भाग है दोस्तों छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर तहसील सरगुजा में के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा के का खोज हुआ है 1948 में और खोज करता है कर्नल आउसले के द्वारा 1948 में सीता बेंगरा की गुफा की खोज की गई। सीता बेंगरा की गुफा की विशेष बात यह है दोस्तों, यह सीता बेंगरा की गुफा को कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला या विश्व की प्राचीनतम रंगशाला या विश्व की प्राचीनतम थिएटर, इसे कहा जाता है विश्व का प्राचीनतम थिएटर। चूंकि गुफाओं के अंतर गुफा की दीवारों में कई चित्र वर्णित है, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों विश्व का प्राचीनतम रंगशाला, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व का प्राचीनतम थिएटर, विश्व का प्राचीनतम रंगशाला। 200 ईस्वी में भरत मुनि के द्वारा इस गुफा में रंगशाला का निर्माण किया गया।
200 ईस्वी में भरत मुनि के द्वारा इस गुफा में रंगशाला का निर्माण किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इसे कहा जाता है सीता बेंगरा की गुफा। त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण तथा सीता रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा की गुफा में आए थे और यहां पर ये रुके थे दोस्तों, इसलिए इसे कहा जाता है सीता बेंगरा की गुफा। त्रेता युग में राम लक्ष्मण व सीता का वनवास कटा था दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा की गुफा में ये वनवास के दौरान यहां रुके थे दोस्तों, इसलिए इसे कहा जाता है सीता बेंगरा की गुफा। त्रेता युग में राम लक्ष्मण व सीता का वनवास इसी गुफा में हुआ था, इसलिए इसे सीता बेंगरा की गुफा कहा जाता है। सीता बेंगरा की गुफा कहते हैं, इसलिए इसे सीता बेंगरा की गुफा कहते हैं। तो यह है दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा, जो स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी पर। इसकी खोज 1948 में कर्नल औसले ने किया गया था। बाय डिफॉल्ट रामगढ़ की पहाड़ी का ही खोज हुआ है दोस्तों 1948 में कर्नल औसले के द्वारा, अर्थात यहां की समस्त गुफाएं 1948 में कर्नल औसले के द्वारा ही खोजी गई। इसे कहा जाता है विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला या थिएटर, विश्व का प्राचीनतम रंगशाला। 200 ईस्वी में भरत मुनि के द्वारा यहां पर रंगशाला का निर्माण किया गया था। त्रेता युग में वनवास का अधिकतम समय राम लक्ष्मण और सीता के द्वारा सीता बेंगरा की गुफा में बिताया गया है, इसलिए इसे सीता बेंगरा की गुफा कहा जाता है। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जोगी मारा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है जोगी मारा की गुफा। देखिएगा जोगी मारा की गुफा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी अर्थात छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी उदयपुर तहसील में स्थित है। इसकी भी खोज 1948 में कर्नल औसले के द्वारा किया गया था। जोगी मारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता। हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जोगी मारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता। इसे कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ की अजंता। जोगी मारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता। जोगी मारा की गुफा से मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि के लेख मिले हैं। अर्थात जोगी मारा की गुफा से मौर्य वंश के शासक अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अर्थात गुफाओं के दीवार में पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हुए हैं। इसकी भाषा है, इस शिलालेख की भाषा है दोस्तों पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि। मौर्य वंश के शासक अशोक के शिलालेख व गुहालेख प्राप्त हुए हैं जोगी मारा की गुफा से, जिसकी भाषा है पाली भाषा व लिपि है ब्राह्मी लिपि। पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में मौर्य वंश के शासक अशोक के शिलालेख जोगी मारा की गुफा से प्राप्त हुए हैं। खास बात यह याद रखना है दोस्तों कि जोगी मारा की गुफा के दीवारों में पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में देवदासी नृतांगना सूतनुका व उसके प्रेमी देवदत्त की प्रेम गाथा उत्कीर्ण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जोगी मारा की गुफा में पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में देवदासी नृत्यांगना सूतनुका व उसके प्रेमी उसके
प्रेमी देवदत्त, देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन है, प्रेम गाथा का वर्णन है। जोगी मारा की गुफा में प्रेम गाथा का वर्णन है। पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में देवदासी नृत्यांगना सूतनुका व उसके प्रेमी देवदत्त की प्रेम गाथा उत्कीर्ण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त देखते हैं चौथी बात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त चौथी बात देखते हैं दोस्तों, यह जोगी महाराज की गुफा के अंदर यक्ष किन्नर तथा देवी देवताओं का चित्रण है। यहां पर दोस्तों चित्रण है गुहा की दीवारों में यक्ष किन्नर व देवी देवताओं का, देवी देवताओं का यहां पर चित्रण है, देवी देवताओं का चित्रण है। यहां पर जोगी महाराज की गुफा को इसके मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, अर्थात इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, जोगी महाराज की गुफा का प्रसिद्धि का मुख्य कारण है इसकी मूर्ति कला। जोगी महाराज की गुफा को इसकी मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है जोगी महाराज की गुफा। 1948 में कर्नल औसले के द्वारा जोगी महाराज की गुफा की खोज की गई। इसे छत्तीसगढ़ की अजंता कहा जाता है। मौर्य वंश के शासक अशोक के पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में जोगी महाराज की गुफा से शिलालेख व गुहालेख प्राप्त हुए हैं। पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में देवदासी नृत्यांगना सूतनुका व उसके प्रेमी देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन है। यहां पर गुहा की दीवारों में यक्ष किन्नर व देवी देवताओं का चित्रण पाया जाता है। जोगी महाराज की गुफा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है इसकी मूर्ति कला। कहते हैं दोस्तों जशपुर के बगीचा तहसील में स्थित है कैलाश गुफा। यह एक मानव निर्मित गुफा है जिसका निर्माण किया है संत रामेश्वर गुरु गैरा बाबा ने, और यहां पर स्थित जलप्रपात है गंगा झरना या अलकनंदा झरना। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जशपुर के बगीचा तहसील में स्थित है, जशपुर के बगीचा तहसील में स्थित है कैलाश गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलाश गुफा, देखिएगा अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कैलाश गुफा। जशपुर के बगीचा तहसील, जशपुर के बगीचा तहसील में स्थित है कैलाश गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है जशपुर का बगीचा तहसील, यह है दोस्तों जशपुर का बगीचा तहसील, बगीचा तहसील में स्थित है कैलाश गुफा, यह है दोस्तों कैलाश गुफा, कैलाश गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैलाश गुफा बस जशपुर के बगीचा तहसील में स्थित है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा का निर्माण किया है संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा ने, संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा ने, संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा के द्वारा पत्थरों को काट के कैलाश गुफा का निर्माण किया गया है। और यहां पर प्रसिद्ध जलप्रपात, इसी गुफा के पास में प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों गंगा झरना, यहां पर स्थित जलप्रपात है गंगा झरना, या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों अलकनंदा झरना, अलकनंदा झरना यही प्रवाहित होता है, गंगा झरना या अलकनंदा झरना। विशेष बात यह है कि यह एक प्राकृतिक गुफा नहीं है बल्कि यह एक मानव निर्मित गुफा है, मानव निर्मित गुफा है, मानव निर्मित गुफा है कैलाश गुफा, बगीचा तहसील जशपुर जिला। यह देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ते हैं अगला, यह है रायगढ़ में भूपदेवपुर, रायगढ़ में पकड़ना है दोस्तों भूपदेवपुर, यह आपका है भूपदेवपुर, रायगढ़ में स्थित है भूपदेवपुर। रायगढ़ के भूपदेवपुर में पकड़ना है सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ के भूपदेवपुर में स्थित है सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ के भूपदेवपुर में स्थित है सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ के भूपदेवपुर में स्थित है सिंघनपुर की गुफा। इसका खोज किया गया है 1910 में,
1910 में सीजे एंडरसन के द्वारा 1910 में सीजे एंडरसन के द्वारा सीजे एंडरसन के द्वारा 1910 में सिंगनपुर की गुफा का खोज किया गया। सिंगनपुर की गुफा एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिंगनपुर की गुफा का कालक्रम जो रहा है प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के अंतर्गत, जैसा कि बांटा जाता है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को या पाषाण काल को चार भागों में, पहला होता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है उत्तर पाषाण काल और चौथा होता है नव पाषाण काल। तो सिंगनपुर की गुफा में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं यह दोस्तों पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं, अर्थात यह एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है जिसमें पूर्व पाषाण काल के साथ साथ उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां पर प्रसिद्धि का मुख्य, यहां पर सिंगनपुर की गुफा में अगर कुछ मिलता है दोस्तों तो ये मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, अर्थात गुफा की दीवारों में मिलते हैं शैल चित्र, अर्थात इसकी प्रसिद्धि का मुख्य आकर्षण है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र या पाषाणकालिक शैल चित्र, या कह सकते हैं पाषाणकालीन शैल चित्र। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र या पाषाणकालिक शैल चित्र। 1910 में इसकी खोज किया था सीजे एंडरसन ने। यह एक प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा है, इसमें पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल दोनों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। विशेष बात में यह याद रखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विशेष बात में यह याद रखना है कि यह प्राचीनतम मानव निवास के यहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं। यहां पर शैल चित्र में जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, शैल चित्र में पहला पकड़ना है सीढ़ी तथा डंडे से आखेट करता हुआ, शिकार करता हुआ एक पुरुष का चित्र यहां पर दिख रहा है दोस्तों। यहां पर शैल चित्र दिख रहा है सीढ़ी व डंडे से आखेट करता मानव यहां से प्राप्त होता है। यहां से चित्र प्राप्त होता है दोस्तों पंक्तिबद्ध मानव समूह के कई चित्र यहां से प्राप्त हुए। सिंगनपुर की गुफा भूपदेवपुर, रायगढ़ के भूपदेवपुर में स्थित है सिंगनपुर की गुफा। 1910 में इसकी खोज किया था सीजे एंडरसन ने। यह एक प्राग ऐतिहासिक कालिक गुफा है जिसमें पूर्व पाषाण काल व उत्तर पाषाण काल की गुफाएं प्राप्त होती है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र या पाषाणकालिक शैल चित्र। यहां पर प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। शैल चित्र मुख्य रूप से यहां से प्राप्त हुआ है सीढ़ी व डंडे से आखेट करता मनुष्य का चित्रण व पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्रण। अगर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, रायगढ़ में स्थित है काबरा पहाड़ की गुफाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काबरा पहाड़ की गुफाएं। रायगढ़ में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों काबरा पहाड़ की गुफाएं, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काबरा पहाड़ की गुफाएं। यह है दोस्तों रायगढ़ में स्थित है काबरा
पहाड़ की गुफा, काबरा पहाड़ की गुफा, काबरा पहाड़ की गुफा रायगढ़ में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काबरा पहाड़ की गुफा रायगढ़ में स्थित है। इसका भी कालक्रम है, इसका जो कालक्रम है दोस्तों यह है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यह मध्य पाषाण काल का गुफा है, काबरा पहाड़ की गुफा, काबरा पहाड़ की गुफा। इसकी भी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, इसकी भी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र या पाषाण कालिक शैल चित्र, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। और यहां से विशेष रूप से शैल चित्र में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यहां से विशेष रूप से शैल चित्र में प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से विशेष रूप में शैल चित्र में प्राप्त हुए हैं लाल रंग की छिपकली, लाल रंग की छिपकली, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, घड़ियाल सांभर, घड़ियाल सांभर, हिरन, हिरन घोड़ा, हिरन घोड़ा, व कुल्हाड़ी का चित्र, व कुल्हाड़ी का चित्रण यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहां पर जंगली भैंसा का एक बहुत बड़ा चित्र प्राप्त हुआ है, जंगली भैंसा का विशाल चित्र, जंगली भैंसा का विशाल चित्र, जंगली भैंसा का विशाल चित्र प्राप्त हुआ है काबरा की पहाड़ की गुफाओं से, जंगली भैंसा का विशाल चित्र। इसके अतिरिक्त पंक्तिबद्ध मानव समूह, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल सांभर, हिरन घोड़ा व कुल्हाड़ी का चित्र, जंगली भैंसा का विशाल चित्र, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्रण, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्रण या शैल चित्र यहां से प्राप्त हुआ है, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है। विशेष बात यह याद रखना है दोस्तों कि यहां से भी प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं, यहां से भी प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए, प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए। काबरा पहाड़ की गुफा यह प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है, यहां से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल सांभर, हिरन घोड़ा व कुल्हाड़ी का चित्र, जंगली भैंसा का विशाल चित्र, पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्र प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि काबरा पहाड़ की गुफा छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी गुफा है जहां से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात यहां से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होने वाला गुफा है, सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होने वाला गुफा है दोस्तों, सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है आपके काबरा पहाड़ की गुफा से, अर्थात यहां से सर्वाधिक जानकारी मिलती है, अर्थात सर्वाधिक जानकारी देने वाला गुफा है काबरा पहाड़ की गुफा। तो यह है दोस्तों काबरा पहाड़ की गुफा। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चितवा डोंगरी गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजनाथ गांव में चितवा डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है, राजनाथ गांव में चितवा डोंगरी की पहाड़ी, यह है दोस्तों चितवा डोंगरी की पहाड़ी, चितवा डोंगरी की पहाड़ी में स्थित है चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी गुफा। चितवा डोंगरी गुफा की खास बात यह है कि चितवा डोंगरी गुफा के दीवारों से
जो सेल चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहां से ड्रैगन की आकृति का सेल चित्र प्राप्त हुआ है, यहां से ड्रैगन की आकृति का सेल चित्र प्राप्त हुआ है, यहां से जो सेल चित्र प्राप्त हुआ है ड्रैगन की आकृति का सेल चित्र यहां से प्राप्त हुआ है, जो चीनी कला का परिचायक है। तो चितवा डोंगरी की पहाड़ी में स्थित है चितवा डोंगरी गुफा, जहां के सेल चित्रों में प्राप्त हुआ है ड्रैगन की आकृति का सेल चित्र, जो कि चीनी कला का परिचायक है। यह पकड़ना है दोस्तों, चारामा तहसील, यह है चारामा तहसील, कांकेर जिले के चारामा तहसील में स्थित है उरकुड़ा गुफा से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उरकुड़ा गुफा से। और चितवा डोंगरी गुफा से ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए, जो चीनी कला के परिचायक है। कांकेर के चारामा में स्थित है उरकुड़ा गुफा, जहां से मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की गुफाओं को डिटेल में डिस्कस किया।